हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राठौर में। आज मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, आपके मन में कई सारे क्वेश्चंस हैं कि 30% कोर्स जैसा कि गवर्नमेंट के थ्रू हटा दिया गया है इस कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, इसलिए कई सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरी करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं आप लोगों का आज सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, जो आपका फिजिक्स में 30% कोर्स लेस किया गया है वो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करने वाला हूँ, तो देखना ना भूलें। और जिसने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। देखिए बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि कुछ टॉपिक्स जो कभी नहीं आते थे, पहली बात तो वो मैं आपको कराता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ एक दो टॉपिक्स जो हैं जो आते थे लेकिन उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, तो उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी की। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्थिर वैद्युतिकी यानी कि मैंने आपको चैप्टर नंबर पहला पढ़ाया उसमें तो आपका सब कुछ आएगा, उसमें आपका सब कुछ आएगा। चैप्टर नंबर दो की बात करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी एक समान आवेशित पतले गोलीय कोष के भीतर और बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो कि गॉस के नियम पर आधारित थी। बच्चों अपनी कॉपी खोल कर देखो, मैंने गॉस की प्रमेय सेकंड चैप्टर आपको पढ़ाया है जिसमें मैंने करवाए थे, जिसमें आपका था समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा आपका था चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक आपका चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओवरऑल जो टॉपिक हटाया गया है वो मैं आज तक ना तो मैं करवाता हूँ और ना ही ये एग्ज़ाम में आज तक पूछा गया है। यानी देखा जाए तो जो टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में कभी पूछे ही नहीं जाते थे वो उन्होंने ड्रॉप किए, तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ाया था बेटा, वैद्युत धारा, याद होगा आपको वैद्युत धारा वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, जरा कॉपी खोल के देख लीजिए सभी स्टूडेंट। मैंने आपको दो यहाँ पे टॉपिक करवाए थे जो कि अब यहाँ पर हटा दिए गए हैं। यस, मैंने आपको कराए हैं तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। एक मैंने करवाया था आपको कार्बन प्रतिरोध बर्ड कोड साड़ी, आपको याद है बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये वाला मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसमें आपका लाल पीला नीला काला हरा जो रंग के अकॉर्डिंग आता है इसका प्रतिरोध हमें निकालना होता था। वो टॉपिक यहाँ पर पूर्ण रूप से अब हटा दिया गया है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा खेद है जो मैंने आपको कराया, क्योंकि गत वर्षों में काफ़ी पूछा जाता था और मुझे आस थी कि ये नहीं मतलब कटेगा इससे। जैसा कि पिछली बार इन्होंने जो कोर्स अपलोड किया था अपने चैनल पर, यानी कि मैंने जो अपलोड किया था और एनसीईआरटी के थ्रू जो कोर्स अपलोड किया था मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया था कि लास्ट चैप्टर हटा हुआ है, जो कि देखा जाए तो किसी की मिस्टेक नहीं है, लेकिन इन्होंने अब संशोधन करते हुए 30% जो कोर्स लेस किया उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर दी है बाकायदा यहाँ पे, और मैं आपको ओरिजिनलिटी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने कोई एडिट नहीं किया है। कई सारे चैनल्स पर आपका एडिट करके दिखा रहे हैं वो लोग या बोर्ड पर लिख कर दिखा रहे हैं, मेरा सीधा मुद्दा है कि हम जो भी दिखाएं आपको वो एकदम सटीक और 100% सही होना चाहिए। तात्पर्य ये है कि सबूत अगर सही है तो हमारा काम भी सत्य होगा, इसलिए उसमें हमें कोई भी दिक्कत या आपत्ति नहीं होती। तो ठीक है बेटा, कार्बन प्रतिरोध आपका याद होगा श्रेणी में आपका आर बराबर आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर थ्री डैश डैश डैश, इस तरीके से मैंने बताए थे आपको। एक आपका था प्रतिरोध का समांतर क्रम, वन अपॉन आर बराबर वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, इस तरीके से थे बेटा आपके, ठीक है ना। तो बच्चों इसके जितने भी मैंने आपको न्यूमेरिकल्स कराए हैं और ये दो डेरिवेशंस कराए हैं, इन्हें आप ऐसा मान लीजिए, एक दिमाग में डाल लीजिए कि हमने ये पढ़े थे पर ये आप एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ये पूर्ण रूप से आपके हटा दिए गए हैं। तो सभी स्टूडेंट जो आपका चैप्टर में ये दो टॉपिक आपको दिख रहे हैं इनसे संबंधित सारे न्यूमेरिकल्स आप इन्हें अब ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि मैं इसे नहीं काटूँ, अपनी कॉपी नहीं ख़राब करूँगा, तो प्लीज़ इसे आप मोड़ लीजिए, यानी पेज को मोड़ लीजिए और ये देख लीजिएगा ये अब एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ठीक है ना। इससे मुझे खेद है क्योंकि गत वर्षों में काफ़ी बार पूछे भी जाते थे और इसके न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर के, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कोर्स के दौरान, कि पूछे जाते थे, लेकिन अब इसे ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, ड्रॉप करने का कारण मैं बता दूँ आपको बेटा, ये टॉपिक अगर आप हाई स्कूल के अपने भाई रिश्तेदार पड़ोसी मित्र जिसकी भी कॉपी आप उठा के देख लीजिएगा, ये हाई स्कूल में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका जो स्तर है वो इंटर से हटा दिया गया है। कहने का मतलब मेरा है ये है कि अब ये मात्र 10th में ही आपके आते हैं, अब इंटर से ने हटा दिया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 9, जरा याद करो, जो सुबह पढ़ते हैं बच्चे
जो मेरे पास ध्यान से सुने, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सभी से मैं कहता हूँ कि चैप्टर नंबर 9 में अगर आप अपनी कॉपी उठा के दीजिए, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का नाम है, ज़रा उसे ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको चुंबक से संबंधित वहाँ पर अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के 2 डेरिवेशन कराए हैं, जिसका सूत्र आपका याद होगा। आपको अगर नहीं याद है तो देख लीजिएगा, बी बराबर μ0/4π, एक तो आपका था 2m/r³। स्थिति के टॉपिक जो है वो फर्स्ट चैप्टर के ही पूछे जाते हैं, 9th चैप्टर के भी नहीं पूछे जाते, एंड 3rd चैप्टर के भी जो कि मैंने वैद्युत विभव में कराए थे वो भी नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि चैप्टर नंबर 3 के हटाए नहीं गए हैं, वो हैं वहीं पर हैं, आपके चैप्टर नंबर 9 से इन टॉपिक्स को ड्रॉप कर दिया गया है। तो बच्चों आज ही शायद मैंने कल या परसों की क्लास में मैंने आपको कराया था, ठीक है ना, तो उसे आप ड्रॉप कर सकते हैं, यानी कि अब इसे आप पूरी तरीके से अपने दिमाग से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपको ये भी बेनिफिट होगा कि आपके जो टेस्ट होते हैं आपकी क्लासेस में वो अब आपके यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट इसमें और क्या क्या हटा है जरा देखिए ध्यान से, वो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के कारण अच्छा और निरक्षक, यानी कि दोनों यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बलाघूर्ण, मैंने आपको याद है टाउ बराबर NIAB, ये आपको एक टॉपिक कराया था बलाघूर्ण, कार्यरत बलाघूर्ण, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी आपका टॉपिक यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है। तो जो आपको मैंने इसमें ये वाला टॉपिक कराया था, ये इसके अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, मैंने बताया था इसका डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन अब इसका डेरिवेशन भी हटा दिया गया और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी आपके यहाँ पे ड्रॉप कर दिए गए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा ध्यान से, इसमें आपके लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ये भी आपके टॉपिक हैं किताब में, पर बच्चों आपको याद होगा मैंने ये वाले नहीं कराए हैं, चूंकि ये गत वर्षों में आज तक नहीं पूछे गए तो अब भी नहीं आएंगे, जिन्हें अब ड्रॉप कर दिया गया है, तो इसे आपका नहीं काटना पड़ेगा चूंकि मैंने ये नहीं कराए, चूंकि गत वर्षों में ये नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसमें एक और टॉपिक था विद्युत चुंबक कैसे कहते हैं, इनकी तीव्रताएं क्या है, इनके प्रभावित करने वाले कारक और स्थायी चुंबक, ये भी आपके सी चैप्टर में टॉपिक थे पर मैंने इसे नहीं कराया है, आप अपनी कॉपी के देख सकते हैं, ठीक है ना। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इनमें मात्र यही टॉपिक, फाइनली आपको जो अपनी कॉपी में जो टॉपिक काटने पड़ेंगे जो कि आपको यहां से अब ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, अब आपके चैप्टर नंबर 11 की तरफ, इसमें आपका आएगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला, तो बेटा इसमें 2 हेडिंग्स हैं, एक शक्ति गुणांक और बाटहीन धारा। मैं आपको बता दूं शक्ति गुणांक वैसे भी नहीं पूछा जाता था, हालांकि मैं आपको बाटहीन धारा करवाता था, लेकिन अब आने वाले समय में मैं इसे नहीं करवाऊंगा, चूंकि आपका NCERT बेसिस पर ये आपके दोनों टॉपिक यहां से हटा दिए गए हैं, यानी फाइनली आपको चैप्टर नंबर 11 में यानी प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं, अब आप में ये दो चैप्टर, आपको दो टॉपिक्स नहीं पढ़ने पड़े, ठीक है ना बच्चों। तो आप इसे भी अगर आपके पास बुक है, किताब है, अगर आपका किसी भी भाई बंधु की कॉपी से अगर आप पढ़ रहे हो तो प्लीज इसे अब आप काट दीजिए, जिससे आपका समय बचे और व्यर्थ ना जाए। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप पढ़ें और उसे भी एग्जाम में भी वो आपको ना मिले तो ये इससे थोड़ा सा नुकसान होता है, समय की खराबी होती है और बच्चा बेमतलब में पढ़ता रहता है। हालांकि ये नहीं, ये मत भूलिएगा कि ज्ञान हमारा कम होगा, याद रखिएगा जो आपने पढ़ लिया है तो आपका ये ज्ञान बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो बस उसे ज्ञान के तौर पर आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, हालांकि एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे मत रखिएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब मैं बता दूं आपको, फिजिक्स फर्स्ट का लास्ट चैप्टर आपका आएगा चैप्टर नंबर 13 विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसमें बेटा आपकी एक हेडिंग आती थी विस्थापन धारा किसे कहते हैं और इसकी आवश्यकता, इनके कारण क्या थी, ये आपका पूछा जाता है अक्सर, एक छोटी सी हेडिंग है बस, इसे यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। बाकी इसमें मैक्सवेल के आपके जो नियम आते हैं वो मोस्टली बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक है जो कि मैं हमेशा कराता हूँ, विस्थापन धारा पे मैं इतना ध्यान भी नहीं देता हूँ क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में बहुत कम, अगर मिलती है तो एक नंबर में मिलेगी, वो भी गत वर्षों में बहुत कम देखी गई है, ठीक है ना बच्चों। तो इससे घबराने की बात नहीं है। अब हम चलते हैं सेकेंड पेपर की ओर, जो कि फिजिक्स सेकेंड में, अब आपके नाम है प्रकाशिकी। इस चैप्टर में आप प्रकाशिकी यूनिट में आपके लगभग 11 से 12 चैप्टर हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इनमें से क्या क्या हटाया गया जरा ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने अभी आपको नहीं कराए हैं, या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ध्यान से देखें, अगर उनके पास कोई किताब बुक जो भी है तो उसमें वो उसे ड्रॉप यानी काट सकते हैं, आप इसे मोड़ सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है ना। बस आपको ये अब
पढ़ने नहीं है, आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। जैसे पहला आपका गोलीय दर्पण, याद होगा आपको गोलीय दर्पण की सहायता से 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। अगर आपका कोई भाई बंधु मित्र पड़ोसी हाई स्कूल में पढ़ता हो तो उनमें सबसे ज़्यादा ये पूछे जाते हैं, आपके इंटर लेवल में भी आते थे लेकिन एग्ज़ाम में कभी नहीं आए। मैं आप अपने कोई भी आपका इंटर में कोई भाई पढ़ता हो तो पूछ लीजिएगा, मैंने आज तक ये टॉपिक नहीं कराए। क्यों? क्योंकि हाई स्कूल के स्तर से बहुत अच्छे माने जाते हैं, इंटर में इनका कोई यूजेस नहीं है। यूज़ का मतलब ये नहीं है कि ये ज्ञान के लिए अच्छे नहीं, ज्ञान के लिए बहुत अच्छे हैं, हालांकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछे जाते हैं। तो आप गोलीय दर्पण से ये हटा देंगे, इनके सूत्र हटा देंगे। प्रकाश का परावर्तन एक टॉपिक आता है आपका, ये चैप्टर का पहला नाम है आपका, फिजिक्स सेकंड पेपर का पहले चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से आपकी डेफिनेशन ड्रॉप कर दी गई है, ठीक है ना, हटा दी गई है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी यहाँ से हटा दिया गया है। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन से बहुत सारे आपके टॉपिक पूछे जाते थे, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या सूर्योदय सूर्यास्त के समय आपका लाल क्यों होता है, या अक्सर देखा जाता है कि खून का रंग लाल क्यों, लाल ही क्यों होता है, आपने देखा होगा खतरे के निशान लाल क्यों बनाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, अब उन्हें भी यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन जब हेडिंग ही हटा दी गई यहाँ से, तो इसके संबंधित जितने भी आपकी परिभाषाएं, जितने भी आपके नोट पॉइंट थॉट बनते थे, वो सारे यहाँ से ड्रॉप कर दिए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, सूक्ष्मदर्शी और का यहाँ पे आपका डेरिवेशन कराया जाता है, जिसका सूत्र आपका होता है n/b बराबर 1/u माइनस n/ आपका u डैश, इस तरीके से होता है, मैं बताऊंगा आपको जब कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक यहाँ से इसके डेरिवेशन हटा दिए गए हैं, यानी आपको अब ये नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना बच्चों। आप चाहो तो इसे कहीं भी नोट भी कर सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है। आप जब भी किसी अध्यापक से, अपने मित्र पड़ोसी भाई आपका अगर पढ़ाए आपको, या आप बुक से स्वयं पढ़ना चाहें, तो आप इन टॉपिक्स को ड्रॉप कर दीजिए। देखिए बच्चों, मैं बता दूं आपको, आपके लिए कोई नई बुक अलग से नहीं बनाई जाएगी, 70% के लिए आपकी कोई नई बुक मार्केट में नहीं आएगी, ठीक है ना। आप ये सोचे कि अब मार्केट में नई बुक आएगी हम तब पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी जो किताब है वही चलेंगी, बस उससे 30% जो कोर्स ड्रॉप किया गया उसकी PDF मैं आपके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट से यहाँ पर लेके आया हूँ, बिल्कुल 100% सही है जो कि, ठीक है ना, जो NCERT बेसिस से पास किया गया एक ऑर्डर, एक PDF यहाँ पर दी गई, ठीक है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या कह रहा है। समतल ध्रुवीय, आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी में आता है, ध्रुवण तल जिसमें आपका आता है। तो यहाँ पे ध्रुवण की डेफिनेशन बिल्कुल को हटा दी गई है, समतल ध्रुवीय प्रकाश हटा दिया गया है, ब्रूस्टर का नियम यहाँ पर बाकी भी मोस्ट था, ये पूछा जाता था, ये हटा दिया गया यहाँ से, बाकी ये सब तो नॉर्मल था, ये मैं नहीं कराता था। ब्रूस्टर का नियम कभी छोड़ा नहीं था, जो कि n बराबर आपका 10 IP होता है, ठीक है ना। तो ये अब आपका कभी नहीं पूछा जाएगा। और यहाँ पे पोलराइड के उपयोग बहुत कम पूछे जाते थे, ठीक है ना, इन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मिलेगा द्रव्य एवं विकर्ण की द्वैती प्रकृति। आपको जो विकर्ण की द्वैती प्रकृति आ गई, या हाइगेंस का द्वितीय तरंग का सिद्धांत था, अब यहाँ पर इसे भी ड्रॉप कर दिया गया है, ठीक है ना। ये मैं कराता था, लेकिन आपको याद होगा जर्मर एवं डेविसन इनका एक नियम पूछा जाता था आपका, ठीक है ना। तो ये प्रयोग काफ़ी पूछा जाता, मतलब कराया जाता था मोस्टली। आप कभी ये कोई भी नहीं कराता, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते, ये लगभग ना के बराबर पूछे जाते थे, लेकिन यहाँ पे इसीलिए इसे भी ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है ना। परमाणु नाभिक के बारे में बताया गया, रेडियो एक्टिवता, जैसे रेडियम मैडम क्यूरी ने अल्फा बीटा गामा किरणों की जो खोज की थी उसके बारे में ये छोटा सा टॉपिक था, बताया जाता था इसे एक्सप्लेन करके, अब इसे भी यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया है। अल्फा बीटा गामा किरणें इन सबको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। रेडियो एक्टिवता का नियम ख़त्म कर दिया गया यहाँ से, 6 नियम, बंधन ऊर्जा को भी खत्म कर दिया गया, और उनसे संबंधित जितने भी आपके डेरिवेशन, यानी न्यूक्लियोनों से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके होते थे, वो यहाँ से ड्रॉप कर दिए गए, यानी हटा दिए गए, ठीक है ना बच्चों। ध्यान से देखो, अब लास्ट चैप्टर पर चलते हैं। लास्ट चैप्टर आपका आता था इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब इसके बाद भी एक और आता था बच्चों, आपका था संचार व्यवस्था। क्या आता था आपका यहाँ से? संचार व्यवस्था, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम आपका आता था, जिसमें आपको क्षोभ मंडल के समय आपका बहुत कुछ बताया जाता था इसमें,
एलईडी वगैरह के बारे में, तो यहाँ से ये टॉपिक बिल्कुल ही यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो वो चैप्टर हटा दिया गया और आपका लास्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, इसमें से जेनर डायोड को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि जेनर डायोड मुख्यतः बहुत कम पूछा जाता था, ना के बराबर, ठीक है ना। और वोल्टता के नियंत्रक रूप से जेनर डायोड, यानी इनके जितने भी आपको समझाया गया, एक्सप्लेन किया गया, इसके आवश्यकताओं के बारे में बताया गया, इनके कारकों के बारे में बताया गया, ये सब यहाँ से ड्रॉप कर दिया गया। तो फाइनली जितना आपका फिजिक्स में 30% कोर्स लेस करना था, मोस्टली अगर देखा जाए तो 10% जो एग्ज़ाम में पूछा जाता था बस उसी को यहाँ से हटाया गया, बाकी तो आज तक ना तो पूछा गया था और ना ही पूछा जाता है। तो वो तो चाहे ड्रॉप पहले से मान लो या अभी मान लीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो घबराने की कोई बात नहीं, अब मेरे ख्याल से आपका हर एक पॉइंट, आप जो आपका माइंड में हमेशा उथल पुथल मचाता था, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है नोट कर लीजिएगा, उसे भी अगर आप 9084130796, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। प्लीज़ हाय हेलो गुड मॉर्निंग, आई हेट दिस वर्ड, बट आप अपने क्वेश्चन से रिलेटेड, आपके कोई भी दिमाग में कोई क्वेरी हो तो आप आसानी से पूछ सकते हैं, आपका बिल्कुल स्वागत है, ठीक है ना बच्चों। तो स्टडी विद राठौर फिर भी यही कहेगा, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वस्थ अगर आप हैं तो दुनिया स्वस्थ लगेगी और पढ़ाई भी आपकी मस्त होगी। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।